आज हमारे साथ बौद्ध धर्म के जानकार सुधीर राज सिंह जी हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि दिवाली या दीपावली और बुद्ध में क्या संबंध है। सुधीर राज सिंह जी बताइए हमें। दीपावली, दियावली, दिवाली, दीपदान उत्सव, दीपदानोत्सव, दीप प्रकाश, या हम अगर पूरी तरह से पाली में जाएं तो इसको कहेंगे धम्म दीप प्रकाश उत्सव। ये हिंदी में हो जाता है, संस्कृत में हो जाता है धर्म दीप प्रकाश उत्सव। पाली में बोलेंगे इसको धम्म दीप प्रकाश उत्सव। इसका संबंध बहुत गहरा है। ये जो उत्सव है कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है, बुद्ध के समय से पहले का नहीं है, क्योंकि बुद्ध आए तो धम्म आया, धम्म आए तो धम्म का प्रकाश हुआ, उसका दीप दीप जला और उत्सव मनना शुरू हुआ। जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया तो उनके पिताजी ने मैसेज भिजवाया, उनको खबर भिजवाई कि वो पधारे हैं, गांव आए। अब उनको गांव आना है। कुछ साल बाद वो सम्यक संबुद्ध होने के बाद कुछ साल बाद वो जाते हैं गांव। अब उनको गांव जाना है तो आप ये देखिए कि वहां दीपक कौन सा जलने वाला है, ऐसा कौन सा दीपक है जो रोशनी देने वाला है। थोड़ा भी आप विचार करेंगे तो क्या वहाँ अंधेरा है गांव में, या जो उनका जहाँ वो निवास करते हैं सारे लोग उनके पिता रहते हैं, क्या वहाँ अंधेरा है? क्या वहाँ एक ही दिन के दीपक जलाने से सारा अंधेरा दूर हो जाएगा, फिर कभी दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? क्या वो इतने अनजान हैं कि दीपक जला के प्रकाश करेंगे? तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे और समझेंगे कि बुद्ध ने कौन सा दीपक जलाया, कौन सा प्रकाश दिया। क्योंकि भोजन का दान, जिसको हम बोलते हैं पिंडपात, भोजन का दान या वस्त्र का दान या धन धान्य का दान या अभय दान, यानी किसी का भय हटा देने का दान, और भी बहुत सारे दान हैं, मगर इन सारे दानों में जो सबसे बड़ा दान भगवान ने बताया, सम्यक संबुद्ध बुद्ध ने बताया, वो है धम्म दान। जिसको आप धम्म का दान दे देते हैं, धम्म दान देते हैं, उसको फिर किसी दान की आवश्यकता नहीं होती, उसके पास सारी चीज़ें आ जाती हैं और वो संपूर्ण हो जाता है। तो ऐसा प्रकाश उत्सव, क्योंकि अगर वहाँ धम्म होता, आप थोड़ा भी ध्यान दीजिए कि अगर कपिल वस्तु के अंदर उनके पिता के पास या उनके जो भाई थे या जो उनके गाँव वाले थे या जो उनके कबीले वाले थे या उनके समुदाय के लोग थे या जो शाक्य वंश के लोग थे, अगर उनके पास धम्म होता पहले से और वो धम्म को जानते, धम्म का प्रकाश होता, तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को धम्म को ढूंढने के लिए जाना ही क्यों पड़ता? इसका मतलब वहाँ अंधेरा है और अंधेरा सब जगह है, वो तो प्रकाश लेके घूम रहे हैं, प्रकाश सबको देते आ रहे हैं। तो अब नंबर कपिल वस्तु का है जहाँ उन्हें जाना है। तो समय देखिए कौन सा आरंभ होता है, पवर्णा स्टार्ट हो चुकी है, पवर्णा आरंभ हो चुकी है। अब पवर्णा क्या है? ये जो उत्सवों की जो सीरीज है, जो उत्सवों की श्रृंखला है, ये जो आरंभ होती है, ये होती है आषाढ़ी पूर्णिमा से, आषाढ़ की पूर्णमासी से। आषाढ़ की पूर्णमासी में जब पहली बार सारे भिक्षु, सारे टीचर, सारे प्रोफेसर अपने अपने बिहारों में आते हैं, या जो बिहार उन्होंने चुना है वहाँ आते हैं, तो वहाँ वो अपना अध्ययन करते हैं, स्वाध्ययन करते हैं, औरों को भी सिखाते हैं। क्योंकि बिहार में कोई ऐसा तो है नहीं कि भिक्षु आए और वहाँ आके खाना खा के और पढ़ गए और कुछ काम नहीं करेंगे। भिक्षु का तो निरंतर जीवन भ्रमण करते हुए शिक्षा देना है। 3 महीने का, 4 महीने का ठहराव है, जो भगवान ने बताया कि कीचड़ ज़्यादा है, गारा ज़्यादा है, बारिश है। आज के समय में जरूरत नहीं है, उस समय जरूरत थी, क्योंकि सांप है, बिच्छू है, कीड़ा है, नुकसान होगा, पानी बरस रहा है, कहीं बाढ़ आ जाती है। बिहार का जो क्षेत्र है, जो उस समय नालंदा, राजगीर, मगध, कपिलवस्तु का जो सारा एरिया है, वो तराई वाला एरिया है, वहाँ पानी बहुत ज़्यादा आता है, बारिश ज़्यादा होती है, तो सुरक्षा नहीं होती है। मगर आज के समय में ऐसा नहीं है, आज के समय में तो भिक्षु अपडेट है, मोबाइल से, लैपटॉप से, हवाई जहाज़ से, कारों से, सड़क से, घर से, पक्के पक्के बिहारों से, और अच्छे अच्छे उपासक भी हैं जो सारी सुविधाएँ उत्पन्न कराते हैं। उस समय की बात चली है।
तो उस समय आषाढ़ी पूर्णिमा से आरंभ होते होते सावन पूर्णिमा आती है, सावन पूर्णिमा में रखा सुतंग दिवस आता है जहाँ सूतों को बांधने का काम आरंभ होता है। उसके बाद फिर भद्र आता है, भद्र पूर्णिमा आती है, और भद्र पूर्णिमा के बाद में क्योंकि आपने देखा साधना का समय आता है जिसको साध भोग बोलते हैं, और उसके बाद में अब पवर्णा का समय आ गया, और पवर्णा के समय आते 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 जो अश्विन पूर्णमासी है उसको ख़त्म हो गया। 3 महीने का मिनिमम होता है, और कार्तिक जो पूर्णिमा है 1 महीने का समय जो भिक्षु हैं जो टीचर हैं उनके अपने संसाधन लेके और वहाँ से शिक्षा पूरी करके और परमिशन लेके जात लेके बड़े भिक्षु की और वहाँ से निकलना होता है पूरे पढ़ाने के लिए। तो 4 महीने का कंप्लीट कोर्स है जिसमें उत्सव ही उत्सव होते हैं, और उसमें पूरी मूवमेंट ही मूवमेंट होती है, पूरी प्रक्रिया होती है, और पूरे सारे समय वहाँ हलचल होती है। तो भगवान ने गौतम बुद्ध ने आने का उनको कहा, और आने की खबर हो गई कि वो आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? अमावस्या को आ रहे हैं। तो आप देखिए कि अमावस्या से 2 दिन पहले, कौन सी अमावस्या को आ रहे हैं? कार्तिक अमावस्या को, यानी कि पवर्णा भी है, पवर्णा के लगभग 15 दिन हो जाएंगे, और पवर्णा ना भी है और वो आ भी रहे हैं। तो आने से पूरे कपिल वस्तु के क्षेत्र में बड़ा उल्लास का माहौल है, तैयारियां चल रही हैं। क्या तैयारी चल रही हैं? धन धान्य तेरस पे, यानी उससे 2 दिन पहले क्या पड़ता है? तेरस मतलब 13वां दिन, कार्तिक का 13वां दिन, जबकि चंद्रमा लगातार छोटा होता जा रहा है और अंधेरा होता जा रहा है, मगर वहाँ अंधेरा नहीं हो रहा है, वहाँ तो पूरा जोश है। तो वहाँ धन धान्य देखा जा रहा है, क्योंकि इतने सारे भिक्खु आने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं, तो खाने की व्यवस्था भी करनी है और सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि भगवान आके वहाँ पर धम सिखाएंगे, धम सीखेंगे, तो उस समय डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो धन धान्य इकट्ठा कर रहे हैं, तो धन धान्य का तेरस है। अब धन धान्य जो शब्द बना हुआ है, धन पहले नहीं था, पहले के समय में धन वर्ड नहीं है, धन पाली के बाद में शब्द आया, धान्य वर्ड है, और धान्य बोलते हैं चावल को, भंडार को, गेहूं को, इसको धान्य बोलते हैं, जो ग्रेन्स आते हैं उनको धान्य बोलते हैं। तो धन्यवाद भी इससे बना है, यानी जिसके पास में धन धान्य ज्यादा होता है धन्यवाद होता है। तो धन तेरस भी इससे ही बनी है, धन हम आज बोलते हैं इसको, उस समय धन धान्य तेरस बोलते हैं। उसके बाद आती है काली चौदस, यानी चौदस आती है। अब चौदस जो है वो आप ये समझिए कि कल सुबह भगवान आने वाले हैं, चल चुके हैं, खबर आ रही है उनकी, और यहाँ रात हो रही है, तो रात को कोई नहीं सो रहा है। चौदस को सुबह ही सारे लोग उठ जाते हैं उस क्षेत्र में, जहाँ ये नेपाल, जहाँ ये बंगाल, जहाँ ये बिहार, जहाँ ये उड़ीसा का जो क्षेत्र है वहाँ का ये फेस्टिवल है, और वहाँ इसको काली चौदस भी बोलते हैं, और काली के नाम से पूछते भी हैं, क्योंकि ब्लैक नाइट है, चौदस की जो रात है वो ब्लैक है, काली है। तो सुबह ही उठ जाते हैं सब लोग, नाश्ता करते हैं, नए नए कपड़े अपने तैयार करते हैं, साफ सफाई करते हैं, पूरा घर आंगन ठीक करते हैं, कहीं लिपाई पुताई होनी है मिट्टी से तो वो करते हैं, कोई रंगोली बनाता है, कोई डिजाइन बनाता है, उल्लास है, वातावरण है बच्चों में, सब तरह से चल रहा है, और खाना खाते हैं। खाना भी बड़ा स्पेशल है, क्योंकि फसल का जो पहला चावल आया है, फसल आ चुकी है चावल की, तो फसल का जो पहला चावल आया है उसको चेक करते हैं, खा के देख लें एक दिन पहले कि ये कैसा है कैसा नहीं, इसका स्वाद कैसा है, क्योंकि भिक्खुओं को खिलाना है। तो परंपरा और विकसित हुई कि चावल जो पहला आएगा, फसल पक के आई चावल की, उसको उस दिन पहला चावल बनाते हैं, और पहला चावल बनाने के लिए उसमें सुगंधित जो शहद है वो डालते हैं, जो गुड़ की जगरी होती है उसको डालते हैं, ऑयल डालते हैं, एक अच्छा फूड, बढ़िया फूड बनाते हैं और खाते हैं। ये सारा का सारा काम चल रहा है, और जो कुल देवी यानी कुल माता, यानी जो परंपरा रही है शाक्य वंश की, और परंपरा रही है भारत के पुराने लोगों की, के कुल माता यानी जो पूरे परिवार की माता होती है, उसके आदेश के बिना काम नहीं होता, इसलिए उसकी स्तुति की जाती है, उसे परमिशन ली दी जाती है कि बताएं ये क्या काम करना है क्या नहीं है, सब लगे पड़े काम में। और रात को प्रैक्टिस करते हैं छोटे छोटे दिए जलाने की, कि अंधेरा ना रहे और उनके रास्ते में कोई रुकावट ना रहे, तो दिए भी जलाते हैं, घर में जलाते हैं अमूमन, उस दिन भी जलाए, उस दिन ज़्यादा जलाते हैं, जगह जगह कहीं अंधेरा ना रहे। और अगले दिन भगवान आते हैं, भिक्षुओं के साथ भगवान आते हैं, उल्लास ही उल्लास है पूरा। अमावस का जो काली रात है वो उजारे में बदलने वाली है। क्यों बदलने वाली है? इसलिए बदलने वाली है कि भगवान एक परमानेंट धम्म का प्रकाश देने वाले हैं। अब अमावस को उनका आना होता है, लोगों से मिलना जुलना होता है, उसी गांव के हैं, उसी जगह के हैं, सब देख के बड़े खुश होते हैं। ये ठीक ऐसा माहौल है जैसे हमारे किसी छोटे से गांव या शहर में कोई
बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ले, और उपलब्धि प्राप्त करने के बाद जब वो गांव आता है तो लोग उसके स्वागत में आते हैं और उसको देखते हैं कि ऐसी क्या खास बात है इसके अंदर जो इसको ऐसा प्राप्त हुआ और हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो चारों तरफ से घिर के बैठे हुए हैं लोग, भिक्षु चारों तरफ से घिरे हुए हैं, सवाल हैं, जवाब हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो उस दिन इतना उल्लास, क्योंकि खाना तो सामूहिक इकट्ठा हो चुका है, खाना बढ़ता है, उल्लास बढ़ता है, खुशियाँ बढ़ती हैं, और उस दिन मिलना मिलाना ये चलता रहता है। और भगवान अगले दिन से, यानी कि जिसको हम धम्म दीप उत्सव बोल रहे हैं, या प्रकाश उत्सव बोल रहे हैं, या दिवाली या दीपावली बोल रहे हैं, उसके अगले दिन गौतम धम्म देते हैं। तो इसको गौतम धम्म के नाम से भी जानते हैं, गौतम धम्म दिवसो, और इसको गौधूम भी बोलते हैं। गौधूम माने होता है गेहूँ, पुराने समय में गेहूँ होता है, क्योंकि गेहूँ जम रहा है खेतों में और उग के थोड़ा सा बाहर आ चुका है, तो गेहूं को देख के खुश होते हैं। तो दो नाम इसके पड़े हैं, मेन नाम इसका गौतम धम्म दिवसो है, क्योंकि धम्म देना उन्होंने आरंभ कर दिया है। अब वो धम्म दे रहे हैं, और धम्म देते देते एक दिन पूरा बीत जाता है, और अगले दिन तक उन सब का भय दूर होना शुरू हो जाता है, यानी भय दस्सी, इसको बोलते हैं भय दस्सी दिवसो, यानी भय दूर दूर हो गया। बाद में कुछ लोगों ने इसको भैया दूज भी कहा, दूज माने दो होता है और भैया माने भाई होता है। तो सवाल यह है कि बहन दूज भी होना चाहिए, क्योंकि बहन भाई में तो कोई अंतर है नहीं, भैया दूज तो है मगर बहन दूज नहीं है। इसलिए परंपरा बताती है कि भगवान के समय में भाई और बहनों का बराबर का हिस्सेदारी और बराबर की मान्यता है, समता चल रही है। तो इसका जो असली नाम है वो है भय दस्सी दिवसो, यानी कि भय को दूर कर दिया, धम्म दिया, और धम्म से प्रकाश ऐसा हुआ कि अंदर का सारा भय और अंधियार चला गया। अब प्रैक्टिस शुरू हो रही है, भगवान ने आसन जमा लिया, भगवान देशना कर रहे हैं, बता रहे हैं धम्म के बारे में, और धम्म को सिखा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो माताओं में और बहनों में बड़ा उल्लास है, और वो प्रैक्टिस करे जा रही हैं, मगर प्रैक्टिस करने के तो नियम है, खाना कम खाना है, पहली बार उपोषित बता रहे हैं उनको कि उपोषित में आपने खाना कम खाना है, तो खाना कम खाती हैं। फिर कहते हैं कि 36-36 घंटे तक, 24-24 घंटे तक लगातार विपसना करनी है, साधना करनी है, तो जल्दी आएगा। तो माताएं बहनों में उल्लास है, माताओं बहनों में जल्दी सीखने की लगन है, तो उनको बताते हैं कि उपोषित करना है, 24-24 घंटे, 36-36 घंटे लगातार वो साधना कर रही हैं, विपसना कर रही हैं, क्योंकि उनको भय दर्शन हो रहा है, भय का दर्शन हो रहा है, कैसे भय जा रहा है, कैसे अंधेरा जा रहा है। तो उनको भोजन देने के लिए बीच बीच में अर्थ दिए जा रहे हैं। कैसे अर्थ दिए जा रहे हैं? खीर खाई भगवान ने, तो खीर दी जा रही है, खीर बन रही है, उसको खरना बोलते हैं, उस समय खरना बन रहा है, और उनके लिए जो पहला चावल आया है, दूध आया है, जगरी आई है, और जो शहद आया है, तिल आए हैं, उसका भोजन दिया जा रहा है। तो वो भोजन उनको दिया जा रहा है बीच में, ताकि वो विपसना के बीच में अर्थ दिया जाता है, और थोड़ा उनको सनलाइट भी दी जाती है, ताकि लगातार बैठे बैठे उनका शरीर खराब ना हो, सनलाइट भी देती रहे। ये लगातार प्रोसेस चल रहा है, और भगवान धम्म पे धम्म सिखाए जा रहे हैं, धम्म सिखाए जा रहे हैं, सब लोग बड़े ध्यान से धम्म सीख रहे हैं। पहली बार मिला है ऐसा अनमोल रत्न, भगवान आए हैं, उनके गाँव के हैं, उनके कबीले के हैं, तो उल्लास बहुत ज़्यादा है। इस उल्लास की वजह से अब छठा दिन आने वाला है धम्म सिखाते हुए, और छठे दिन में साधना में सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है। क्यों आती है मुश्किल आती है? क्योंकि छठे दिन में जब साधना में लगातार प्रबल प्रैक्टिस करता है, तो साधना का स्टैग्नेशन आ जाता है, साधना में एक ऐसा ग्राफ आता है समानता का, कि लगता है कि हम साधना में प्रगति नहीं कर रहे हैं, साधना में प्रगति नहीं हो रही है, और जो बताया जा रहा है उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो बड़ा संशय होता है मन में, बड़ा भय होता है। तो ज़्यादा भगवान कहते हैं, साधना करने के जो टीचर हैं वो ज़्यादा कहते हैं कि इस पर स्टेबल रही है, थोड़ा ध्यान कीजिए, बस छठा दिन मुश्किल है, पाँचवें से लेकर छठा दिन मुश्किल है, उसके बाद तो फिर बड़ा आसान है। तो ऐसा देखा गया, ये प्राचीन समय से चला रहा है, तो उसको छठ बोला गया, कि छठी जिसने पार कर ली, इसलिए इसका मुहावरा बना छठी का दूध। कहते छठी को जो दूध पिलाते हैं वहाँ पे, वो छठी का दूध याद आ जाए। विपसना में भी जो लोग करके आते हैं उनका रिकॉर्ड है, वो पाँचवें दिन छठे दिन कोशिश करते हैं निकल जाएँ, भाग जाएँ, क्योंकि पाँच छः दिन हो गए, बड़े उसके साथ आते हैं कि भाई हमें कुछ मिलेगा, हमें कुछ प्राप्त होगा, और वहाँ तो विपसना करने में कुछ प्राप्त हो नहीं रहा, करे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मन उदास हो जाता है। तो छठी के दूध का मुहावरा तभी से बना कि छः दिन हो गए हैं और दूध पिया, अब दूध पीने का मन भी है या नहीं है, दूध याद आता है, पिए ना पिए, ऐसे करके उल्लास में बात बनती है। तो साधना चल रही है लगातार, भगवान धम्म को सिखा रहे हैं। अब इस खुशी में आपने इसको
दीपदान उत्सव बोलें या प्रकाश उत्सव बोलें या धम्म उत्सव बोलें, क्योंकि सबसे बड़ा दान हो रहा है और एक ऐसा दीप दान का दे रहे हैं भगवान जिसका प्रकाश सदा रहेगा, उस गांव से कभी जाएगा नहीं, उस लोगों के दिल से कभी जाएगा नहीं, और इस मायने में उनको धम दिया जा रहा है और इसलिए लोग दीपावली मनाते हैं उसकी याद में। अब साधना करना तो भूल गए, साधना तो कोई करता नहीं, साधना की जगह और कुछ करने लगे तो प्रकाश आए कहाँ से? एक रात का दिया या मोमबत्ती जला के या घर के आगे लाइट जला के क्या मन शुद्ध होता है? ये एक अपने आप में एक अलग सी बात है, विचारनी है। मगर अशोक के समय आते आते जब अशोक को ऐसा पता चला और जो श्रीलंका के अंदर जो बुद्ध साहित्य है जब वहाँ पता चला कि दीपदान उत्सव मनाया जाता है तो उसकी व्याख्या होने लगी कैसा मनाया जाता है। तो अशोक ने उस दीपदान उत्सव की याद में 84,000 पत्थर की किताबें, स्तूप, चैत्य, पुस्तकालय, भैसज्जे गुरु के जो अस्थल थे यानी कि जो जानवरों के अस्थल थे वो, प्याऊ और रास्ते के मील के पत्थर, सूचना के पत्थर, सड़कें, ये सारी चीज़ें लगभग 84,000 के करीब में उन सूत्रों के हिसाब से बनवाईं और उनका एक ही दिन के अंदर उद्घोष किया कि आज से ये चीज़ें मानी जा जाती हैं कि ये बनी हैं। उस उद्घोषणा की खुशी में जो वो घोषणा हुई और जो वो प्रकाश हुआ उनके जो 84,000 स्तूप चैत्य वगैरह वगैरह थे, उस खुशी में 84,000 दिए भी जलाए गए। आज भी राजस्थान के एक जो राजभवन है उसके अंदर 84,000 दिए जलाए जाते हैं और साउथ के मंदिरों की जो सूचना है वहाँ भी दिए जलाए जाते हैं। और सबसे कमाल की बात यह कि जहाँ थेरावादा परंपरा है, थेरावादा स्थिरवादा मतलब जहाँ भगवान बुद्ध की जो परंपरा एग्जैक्ट जो चली आ रही है जिसमें चेंज नहीं हुए या चेंज नहीं किए समय के हिसाब से और जिसको लोग शुद्ध मानते हैं कि ये वही परंपरा है जो भगवान बुद्ध की है, जो श्रीलंका में है, जो म्यांमार में है, जो आके भारत के अंदर है, कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के तटों के अंदर भी है, कुछ कंट्री है नेपाल के अंदर है, वहाँ आज भी दीप जला के इसका प्रचलित करके खुशियाँ मनाई जाती हैं, उजाला करके खुशियाँ मनाई जाती हैं। और उस उजाले की वजह से, उस परंपरा की वजह से बाद में और भी बहुत सारे मतों की परंपराएं इसमें जुड़ गई क्योंकि अच्छा उत्सव होता है और ये इस पूरे एशिया का सबसे बड़ा उत्सव होता है। सबसे बड़ा उत्सव इसलिए होता है क्योंकि इसमें अंधेरा होता है, प्रकाश चारों तरफ होता है और एक धम्म का दान, प्रकाश का दान परंपरागत रूप से दिया। अब आपने इसको कैसे मनाना है, क्योंकि एक मान्यता यह है कि भाई इसको मनाएं या ना मनाएं, आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे लोग इसके संशय में रहते हैं। तो आप देखिए कि इससे आपके घर में कुछ लाभ है या नहीं, आपके बिजनेस में फ़ायदा है या नहीं, आपको कुछ पैसा मिलता है या नहीं। अगर आपका पैसा जाता है, अगर आपको इसमें लाभ नहीं मिल रहा है, अगर आपका नुकसान हो रहा है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं या आपका पैसा किसी और की जेब में जा रहा है और आपको नुकसान हो रहा है, तो इसे मत मनाइए। आपको लगता है कि इसका फ़ायदा है, हमारा पैसा हमारे पास है, हमारा धंधा ने हमारे पास है और वो बढ़ रहा है, हमारा व्यापार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, तो इसको जोर शोर से मनाइए क्योंकि ये खुशी का उत्सव होता है, प्रकाश का उत्सव होता है। धन्यवाद।